हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस राइस बैग की हेल्प से घर में यूज़ होने वाला बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाना सिखा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये राइस बैग मैंने कटिंग कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए ये 22 इंच लॉन्ग और 16 इंच का हमने स्क्वायर कटिंग कर लिया। अब देखिए हमने हर कॉर्नर पर 4x4 इंच का ये एक स्क्वायर मार्क लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। चारों कॉर्नर पर हमें ये स्क्वायर बना लेना है और काट लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये स्क्वायर पीस कटिंग कर लिया है। सबसे नीचे हमने जो रखा है ओल्ड शर्ट का पीस रखा है, बीच में हमने राइस बैग का पीस, और सबसे ऊपर हमने रखा है मेन फैब्रिक जो बाहर की ओर नज़र आएगा। और इस पर हमें क्विल्टिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने सिंपल हैंड मशीन मेरे पास है, उससे मैंने क्विल्टिंग की है। क्विल्टिंग करने के बाद देखिए हमने इसके जो कॉर्नर है इनको यूँ रखना है और स्टिच लगा लेना है चारों कॉर्नर पर। तो चारों कॉर्नर पर स्टिच लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए चारों कॉर्नर पर स्टिच हमने ये लगा ली है। अब इन किनारों की फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर ये स्ट्रेट कपड़े की एक स्ट्रिप ले लेंगे और इसे पहले यूं स्टिच करेंगे और फिर टर्न करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे। चारों कॉर्नर पर हमें इसी तरीके से कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड को और किनारे की फिनिशिंग कर लेंगे। चारों कॉर्नर पर हमें फिनिशिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है इस पर भी हम स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप यूं लगा लेंगे और इसको टर्न करके राइट साइड को इसकी फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने किनारे की फिनिशिंग कर ली है। अब इसको हम सेंटर से दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमने ये दो स्क्वायर पीस जो कि किनारों से हमने निकाले थे इनको आपस में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए हमने दोनों साइड पर ये फैब्रिक लगाकर और किनारे की फिनिशिंग इससे कर लेनी है ब्लैक वाली स्ट्रिप से। तो ये हमने तैयार कर लिया, इसे हम सेंटर पे यूं स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने बेस वाला हिस्सा स्टिच लगाना है ऐसे करके, और उसके बाद हाथ की सुई से हमें साइड वाले हिस्से पे स्टिच लगा लेनी है। तो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही आप 3, 4 या 5, 6 तक बना के अलमीरा में रख सकते हैं और अलग अलग जो है सामान अलग अलग बास्केट में रख सकते हैं, जिससे आपकी अलमीरा जो है हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी और आपको सामान या चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो अगर आपको आज का ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के DIY वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।